मान लीजिए आप एक इंटरव्यू में हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एकदम से आपका इंटरव्यूअर पूछ बैठता है, बताइए आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को, डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं। अब ये क्वेश्चन में ही स्ट्रेस होने की वजह से और एकदम से ये क्वेश्चन आ जाने की वजह से कहीं ना कहीं आप सकपका जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि जैसा कि हर क्वेश्चन की हम तैयारी कर रहे हैं और प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से इस क्वेश्चन की भी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी तैयारी करनी पहले से जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेते हैं कि यह क्वेश्चन कोई भी इंटरव्यूअर पूछता ही क्यों है। देखिए, इंटरव्यूअर हर तरीके से आपको असेस कर रहा है, जज कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि आप अलग अलग सिचुएशंस में कैसे उसकी कंपनी के लिए एक बेस्ट रिसोर्स बन सकते हैं और क्या आज की इस फास्ट पेस्ड दुनिया में, इस ऐसी दुनिया में जहां पर टाइट डेडलाइंस हैं, बहुत चैलेंजेस हैं, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, बहुत सब कुछ क्रंच में है, ऐसे में प्रेशर सिचुएशंस में, हाई स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में क्या आप एज अ रिसोर्स, एज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो आपका इंटरव्यूअर आपकी हायरिंग कर रहा है, क्या आप अडाप्ट कर पाएंगे, आप मैनेज कर पाएंगे? तो यही समझना चाहता है। तो अगर ये समझना चाहता है तो आपको अपने आंसर में वो रिफ्लेक्ट भी करना है कहीं ना कहीं। तो आपको अपने आंसर में वो पॉजिटिव माइंडसेट दिखाना है, आपको दिखाना है कि आप घबराते नहीं है, आप उसको फेस करते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आपके आंसर में होना चाहिए। तो सबसे पहला टिप दोस्तों ये है कि आप अपने आंसर में अपना पॉजिटिव माइंडसेट, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाएं। और जब भी आप आंसर दे रहे होंगे उसमें आपको यह रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, किसी भी चैलेंज को हेड्स ऑन लेते हैं, उसको फेस करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट से, यह समझते हुए कि यह भी एक सिचुएशन है और इससे भी कुछ सीखने को मिलेगा, आप घबराते नहीं हैं और उसको फेस करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अपना अप्रोच पॉजिटिव रखते हैं, काम रहते हैं, शांति से उसको हैंडल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा टिप दोस्तों बहुत जरूरी है, आप इंटरव्यूअर को बताएं कि आप उस चैलेंज को, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या तुरंत करना है और क्या आप डिले कर सकते हैं, क्या आप शेड्यूल कर सकते हैं और क्या है जो किसी और को बांट कर कोलैबोरेटिवली उस पूरे काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रायोरिटाइज करते हैं आप और आगे बढ़ते हैं, ये आपको अपने आंसर में कहीं ना कहीं इंक्लूड करना पड़ेगा। और तीसरा दोस्तों, आप ये भी इंटरव्यूअर को जरूर बताएं, रिफ्लेक्ट करें कि सर देखिए अब ये इस तरीके की सिचुएशन तो हर कंपनी में होंगी, लगातार आती रहती होंगी, तो मैं भी यही कोशिश करता हूं। तो कहीं ना कहीं आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कैसे उसको रेगुलरली हैंडल करेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कि मैं सेल्फ केयर प्रैक्टिस करता हूं, मैं एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज, मैं कुछ माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करता हूं जिससे कि मैं अपनी इस वेंट आउट को, अपने इस प्रेशर को, उसके स्ट्रेस को मैं रेगुलरली रेगुलेट करता रहता हूं। तो अगर आप इन तीन टिप्स का ध्यान रखते हैं तो आप अपने आंसर को बहुत इंपैक्टफुल बना सकते हैं। चलिए, अगर हमने ये बात करी ली है कि ये टिप्स का आपको ध्यान रखना है, तो अगर एक इंपैक्टफुल आंसर बनाना है, और अगर मान लीजिए इंटरव्यूअर ने आपसे ये पूछा कि हाउ विल यू हैंडल अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन और अ चैलेंजिंग सिचुएशन, तो आप बोल सकते हैं सर देखिए जब भी ऐसी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन या डिफिकल्ट सिचुएशन मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले तो मैं एक्नॉलेज करता हूं, मानता हूं कि इस तरीके की सिचुएशंस आती रहती हैं और मैं उसको बहुत कामली हैंडल करता हूं, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसे एक्सेप्ट करता हूं, उससे फेस करता हूं और अपने अंदर एक विश्वास भरता हूं कि मैं इसको कर सकता हूं, उस पॉजिटिव अप्रोच के साथ उसके साथ आगे बढ़ता हूं। दूसरा, अगर मैं उस बड़े से प्रॉब्लम को छोटे स्टेप्स में, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूं और यह देखने की कोशिश करता हूं इनमें से क्या है
जो मैं इमीडिएटली कर सकता हूं और क्या मैं दूसरों से करवा सकता हूं और क्या मैं आगे के लिए उसको शेड्यूल कर सकता हूं कि मैं बाद में कर लूंगा। प्रायोरिटाइजेशन करता हूं और प्रायोरिटाइजेशन से मेरा काम आसान हो जाता है और मैं फोकस कर पाता हूं किस पर मुझे इमीडिएटली काम करना है। और तीसरा सर, मैं रेगुलरली अपना सेल्फ केयर पे भी ध्यान देता हूं, मैं एक्सरसाइजेस करता हूं सर, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं स्विमिंग करता हूं, जो भी आप गेम खेलते हैं आप आंसर में बोलेंगे कि मैं एक्सरसाइज करता हूं, और इससे कहीं ना कहीं मैं अपने इमोशंस को लगातार रेगुलेट करता रहता हूं। तो इस तरीके से सर मैं अपने किसी भी चैलेंज को जो मेरे सामने आके खड़ा होता है मैं उसे मैनेज कर लेता हूं। इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जरूरी नहीं हम बहुत सक्सेसफुली पार पा लें, बट बहुत कुछ सिखा के चले जाता है। बट अप्रोच सर पॉजिटिव रखता हूं, माइंड सेट पॉजिटिव रखता हूं, ये आपके आंसर में होना चाहिए। तो अगर आप ये टिप्स याद रखते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, आप सक्सेसफुली हेड्स ऑन उसको आप अप्रोच करेंगे, ये उसको दिखाते हैं, आप उससे प्रायोरिटाइज करते हैं अपने टास्क को, आप सेल्फ केयर प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप ये तीन बेसिक स्टेप्स भी अपने आंसर में किसी तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपका आंसर बहुत इंपैक्टफुल बन सकता है। दोस्तों अगर आपको ये सैंपल आंसर अच्छा लगा है तो मुझे बताइए कि आपका सैंपल आंसर या आपका आंसर इस सिचुएशन में क्या होगा, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइए और मैं इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़कर आपको फर्दर गाइड कर पाऊंगा कि आप इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे चैनल अजय पणिक्कर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और आगे ऐसी बहुत सी वीडियोस लेके आ रहा हूं जहां पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसका आपको आंसर भी मिलेगा, सैंपल आंसर भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं अगर आप अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करेंगे तो मैं उस पर गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। चलिए मिलता हूं, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।